आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के हर प्रकार के अपडेट मिलती रहती है समय समय पे। तो हमारी एक सीरीज चली हुई, आप सभी को पता है कि B.P.ED के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं और बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपको B.P.ED में कवर करने होते हैं अगर आपने इस साल B.P.ED में एडमिशन लिया है तो। और जल्द ही जो सिलेबस है इसकी एक डिस्क्रिप्टिव सीरीज भी शुरू होगी। मैं पहले इंट्रोडक्शन के सारे पार्ट कंप्लीट करके फिर आपके लिए B.P.ED की एक सीरीज लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं कम से कम आपको हेडिंग्स और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं। ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन मैं आपको वो सारा मटेरियल उपलब्ध करवा पाऊँ जिससे आप B.P.ED एग्जाम के दौरान आपको समस्या फेस ना करनी पड़े। और मैं कोशिश भी करूँगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आने की, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और कोशिश रहेगी आपको किसी चीज़ की कमी ना रहे, मैं कह रहा हूँ कोशिश रहेगी। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता तो नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश करने की यहाँ पे खुद भी कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी एक इंट्रोडक्शन की सीरीज चली हुई B.P.ED इन सारे सिलेबस की, वो जैसे ही पूरी होती है उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव सीरीज, हो सकता है B.P.ED के दो तीन वीडियो और बने, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर को हम कवर अप करें यहाँ पे टॉपिक वाइज भी। तो तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ आज B.P.ED में, वो आपका रहता है हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल स्टडी। इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा का ऑफिशियल इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप उस पर जाके मैं फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉलो ज़रूर करें, हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़ें। वहाँ पे भी जो है अलग अलग समय पे अलग अलग इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ मिलनी शुरू होंगी जल्दी, तो वहाँ पे भी जुड़ना ना भूलें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टडी में मैं क्या पढ़ना होता है वो मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें कंसेप्ट, हेल्थ एजुकेशन की जो पहली यूनिट है उसमें कंसेप्ट, फिर आपको डायमेंशन, फिर स्पेक्ट्रम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ को क्या डिटर्मिनेट करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम क्या है, उसके डायमेंशन क्या है, कंसेप्ट क्या है दरअसल हेल्थ का वो। फिर आपको डेफिनेशन ऑफ हेल्थ याद करनी है, फिर हेल्थ एजुकेशन, और फिर हेल्थ इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दी जाती हैं, फिर हेल्थ सुपरविजन, एम, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ सर्विस एंड गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन फॉर इन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में आप किस प्रकार की गाइडलाइंस देंगे। इसके बाद है हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया के अंदर किस प्रकार की हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो भी होती हैं वो, ओबेसिटी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, एडल्ट्रेशन हो गया इन फूड, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन फॉर स्कूल, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस, ये सारी बातें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। रोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल के अंदर हेल्थ एजुकेशन का क्या रोल है, हेल्थ सर्विसेज क्या है, केयर ऑफ स्किन क्या है, नेल्स आई हेल्थ सर्विस क्या है, ये सारी चीज़ें हम ट्वेल्थ में पढ़ते थे, हमने 9th-10th की फिजिकल में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी। न्यूट्रिशनल सर्विस हमें यहाँ पे कवर अप करना है, हेल्थ अप्राइजल, हेल्थ रिकॉर्ड हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, क्या होता है हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट क्या होता है, फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी केयर ETC, ये सारी चीज़ भी यहाँ पे हमें दूसरी यूनिट में कवर अप करनी है। तो वेरी इजी सिलेबस है, इजी वे में कवर अप हो जाएगा। इसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। इन्वायरमेंटल साइंस क्या होता है, जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण की जो विज्ञान है वो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। डेफिनेशन, स्कोप, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी, भी इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, स्कोप क्या होंगी, इसकी नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कंसेप्ट आपको लिखना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन आपको याद करना है, सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस डेज इन रिलेशन विद एनवायरनमेंट, ये भी हमें याद करने, जैसे पर्यावरण दिवस है, मतलब पौधों से रिलेटेड कोई दिन हो, ठीक है, वो सारे दिन भी हमें पता होना चाहिए, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड प्रोबेशन ऑफ प्लास्टिक बैग कवर, ये भी, रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कन्वर्जन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। इसके बाद इसमें फोर्थ यूनिट क्या रहेगी आपकी, ये फोर्थ यूनिट जो रहेगी नेचुरल रिसोर्स एंड रिलेटेड,
रिलेटेड इन्वायरमेंटल इशू, ये जो अननेचुरल चीज़ें होने की वजह से जो भी इन्वायरमेंट में समस्याएं आ रही हैं इसमें वो हमें स्टडी करना है, जैसे वाटर रिसोर्स क्या है, फूड रिसोर्स क्या है, लैंड रिसोर्स क्या है, ठीक है, नेचुरल वे में। इसके बाद डेफिनेशन इफेक्ट एंड कंट्रोल, मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेंगी। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस है भाई हेल्थ एजुकेशन का, बता दूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया तो आप भविष्य में नेट एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, या DSSB, KVS, NVS, कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर ही रहने की संभावना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल एक एक चीज़ को कवरअप करवाऊंगा मैं आपको टॉपिक वाइज, कुछ टॉपिक ना भी मिलेंगे तो मैं क्लियर कट आपको बता भी दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले, सारे टॉपिक्स ईजी वे में कवर हो सकते हैं। और इनको अगर आप बुक से स्टडी करना चाहो अलग अलग बुक से, तो रिफरेंस भी दिया गया है, अग्रवाल की इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बुक है, बीकानेर निधि पब्लिशर LTD है इसके, फिर फ्रैंक एच एंड वॉल्टर एच, ये ट्रनर्स स्कूल हेल्थ एजुकेशन, ये भी आपको दी गई है, ठीक है, इन बुक से भी आप इनको स्टडी कर सकते हो। तो ये हमारा थर्ड जो टॉपिक था, मैंने थर्ड जो हमारा सिलेबस था वो कवरअप करवा दिया है, और जल्द ही वही सीरीज शुरू हो जाएगी जिसमें डिस्क्रिप्टिव हम चलेंगे। और शुरुआत हम किससे करेंगे, हमारा जो पहला ही सब्जेक्ट था उससे हम शुरुआत जो है करेंगे, जिसमें मैंने बताया था हिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन से हम स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज, और एक एक बात मैं आपको कवर करवाता हुआ चलूँगा। तो जल्द ही ये सीरीज आ जाएगी, इंतज़ार करें। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।